प्रसन्न यहाँ पे सर न्यू लॉज के बारे में बताया गया और लीगल एजुकेशन के बारे में बताया गया कि किस तरीके से लीगल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, किस तरीके से हम नए लॉज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये नए लॉज सभी के लिए नहीं हुए हैं, एडवोकेट्स के लिए भी, जजेस के लिए भी, तो बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। किस तरीके से हम नए लॉज को अपनी सोसाइटी के साथ कनेक्ट कर सकें और किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो सके, वही बताने की कोशिश की। और कंपनी लॉ से हम कैसे जुड़े और किस तरीके से कंपनी लॉ और एक आम व्यक्ति जुड़ सकता है, वही बताने की कोशिश की। जिस तरह से लोग की बात करें तो जो नॉर्मल इंसान है, जो आम व्यक्ति, वो सोचता कि लोग बड़ा महंगा है, लोग में हमारे बच्चे नहीं जा सकते, उनके लिए क्या मैंने से किस तरह की वही मैंने बताने की कोशिश की कि लॉ एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, डिस्क्रिमिनेट इन द सेंस कि वो कभी भी बड़े और छोटे को नहीं देख सकता, मतलब न्याय सभी के लिए, छोटा और बड़ा, उसमें कोई गरीब और अमीर नहीं है, न्याय गरीब को भी बराबर मिलेगा और अमीर को भी बराबर मिलेगा। हाँ, ये ज़रूरी है, मतलब ये हो सकता है कि अमीर लोगों को जल्दी मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि गरीब को कभी भी नहीं मिलेगा, बस अपनी हिम्मत मत हारें, अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो इस लॉ को आप ले पाएंगे और जस्टिस आप तक पहुंच जाएगा। एक चीज़ सवाल हो रहा है कि जो आम इंसान है वो अपने बच्चों को लो पे एजुकेशन देने से बचता है, हो सकता है कि बड़ी महंगी है, उनके लिए क्या ऐसा? मेरे को तो लगता है कि लॉ हर एक व्यक्ति को, हर एक सिटीजन को ज़रूर होना चाहिए, मतलब ये स्कूल में इंक्लूड होना चाहिए, लॉ इतना ज़रूरी है क्योंकि हम हर आम जिंदगी में हर एक एस्पेक्ट से डील करते हैं, तो वहाँ पे लॉ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें कहीं ना कहीं समाज से जोड़ता है और हर एक एंगल से जोड़ता है। थैंक यू सो मच।